दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वी आर ब्यूटीफुल, और मैं हूँ आपकी दोस्त नताशा। आज की वीडियो है एक फेस पैक से रिलेटेड, मैं आपके सामने शेयर करने जा रही हूँ एक फेस पैक जो कि है ड्राई स्किन के लिए। गर्मियों में ड्राई स्किन वालों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उनकी स्किन से स्किन अजीब हो जाती है, धूप में जाने में परेशानी हो जाती है। ऑयली स्किन वालों के लिए तो प्रॉब्लम है ही है, साथ साथ ड्राई स्किन वालों के लिए प्रॉब्लम है। तो मैं दोनों चीज़ों के लिए आपके लिए एक सोल्यूशन शेयर करूँगी। शेयर जो सोल्यूशन है वो है आपकी मुल्तानी मिट्टी से रिलेटेड। मुल्तानी मिट्टी का बेनिफिट सबको पता है, लेकिन ड्राई स्किन के लिए अगर आपको मुल्तानी मिट्टी यूज़ करनी है तो अलग तरीके से की जाती है, और ऑयली स्किन के लिए अगर आपको करनी है तो अलग तरीके से की जाती है। ड्राई स्किन के लिए आपको क्या क्या मिलाना चाहिए वो इस फेस पैक में ज़रूर देखिएगा, और ऑयली स्किन के लिए आपको क्या मिलाना चाहिए वो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। अपनी को अगर ऑयली स्किन के लिए भी चाहिए कि आप मुल्तानी मिट्टी यूज़ करना चाहते हैं ऑयली स्किन के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आज की वीडियो में मैं यूज़ करने जा रही हूँ ओरिगन्स की मुल्तानी मिट्टी पाउडर। ये देखिएगा इस तरीके का इसका पैक होता है, पैकिंग बड़ी इसकी प्यारी है, ऊपर से भी पॉलिथीन पैक था और इसमें ऊपर लोगो होता है। साथ में इसमें साफ लिखा हुआ है कि ये ईटेबल नहीं है, खाने के लिए नहीं है, इसमें लिखा हुआ है ये आपकी जो है फेस पे लगाने के लिए है, और आप चाहते हैं इसे तो आप इसको अपने हेयर पर भी लगा सकते हैं। इसमें कोई केमिकल नहीं है, आपकी एक्ने से फाइट करता है, आपके फेस को ग्लो करता है। इसके साथ साथ और भी जो चीज़ें होती हैं इसमें सब कुछ आपको ये अवेलेबल कराते हैं, जैसे कि आपके चेहरे को क्लीन भी करेगा, आपके चेहरे पे मार्क्स जो होते हैं उनको रिमूव करेगा, जो कि मुल्तानी मिट्टी काम करती है, सब काम इसमें है, सब ये करती है। ये बिल्कुल ओरिजिनल है जो मुल्तानी मिट्टी है। मेरे पास क्वेश्चन आते थे कि ओरिजिनल कहाँ से लाएं, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई थी कि ओरिजिनल में और जो गलत आती है, गलत मतलब जिसमें रेत होता है, में क्या फर्क होता है, उसका मैं बॉक्स जो आपको आई बॉक्स में दे दूंगी। अगर आप मार्केट से भी खरीद रहे हैं कोई मुल्तानी मिट्टी तो आप उसको चेकआउट करके ही खरीदे कि क्या आपके पास ये असली है, और अगर आपको उसमें भी डाउट है, आपको नहीं मिल रही है, तो ये आप ऑनलाइन कहीं भी परचेज कर सकते हैं, अमेजोन पर, फ्लिपकार्ट पर। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मुझे तो बहुत ज़्यादा सूट की है, वैसे मुझे मुल्तानी मिट्टी सूट नहीं करती, बट ये मुझे बहुत ज़्यादा सूट की है तो मैं इसको प्रीफर कर रही हूँ। इसके साथ में और भी चीज़ें आती है, जैसे कि ये है नीम का पाउडर है, ऑरेंज पील ऑफ पाउडर है, उनके बारे में मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन आज जो मैं यूज़ करने जा रही हूँ मुल्तानी मिट्टी प्लस नीम का पाउडर यूज़ करने जा रही हूँ दोनों मिक्स करके, क्योंकि मैंने इसको यूज़ किया था तो चेहरे पर एकदम ऐसा ग्लो आ गया था कि देखते ही बन रहा था। अब मैं बताती हूँ इसके प्राइस के बारे में। प्राइस जो है इसका 207 रुपये है, जो कि ये 100 ग्राम के लिए है, पूरा पैक ये भरा होता है, और मुझे मतलब ये जो इसकी क्वालिटी है उसके हिसाब से इसका जो प्राइस है वो बहुत सही लगा था। अगर आपको ऑयली स्किन पे यूज़ करना है तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और अगर ड्राई स्किन पे यूज़ करना है तब यूज़ कर सकते हैं। आज जो मैं बताने जा रही हूँ आपको कि ड्राई स्किन पे आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। आपके लिए ऑप्शनल है कि आप नीम का पाउडर डालें या ना डालें, बट मैं दोनों जो है मिक्स करके आज आपको दिखाऊंगी। अब आते हैं नीम के पाउडर पे। नीम भी बिल्कुल प्योर है, ओरिगन्स के प्रोडक्ट सभी प्योर आते हैं, तो ये तो मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई केमिकल नहीं है। ये आपके हेयर पैक पे भी काम आएगा, आपकी स्किन पे भी काम आएगा। 100 ग्राम के लिए इन्होंने प्राइस रखा है 247 रुपीज, और ये भी ईटेबल नहीं है, इन्होंने साफ इसमें लिखा है कि ये ईटेबल नहीं है, तो आप इनको किसी चीज़ को खाइएगा मत, इनमें कोई केमिकल नहीं होता, बिल्कुल केमिकल फ्री है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आप अगर आपके फेस से पिंपल आ रहे हैं, आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, डैंड्रफ हो रहा है, आपको हेयर फॉल हो रही है, पिगमेंटेशन हो रही है, सभी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैं इन दोनों चीज़ों को यूज़ करके आपको आज दिखाऊंगी। वैसे इस पर लिखा हुआ है कि अगर आपको स्किन पर और हेयर पर यूज़ करना है तो कैसे कर सकते हैं, बट मैं अपने हिसाब से जो मैं पैक बनाने जा रही हूँ वो ड्राई स्किन के लिए बनाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं लूंगी इसके अंदर जो है मुल्तानी मिट्टी। आप इसका कलर देख सकते हैं, बिल्कुल मुल्तानी मिट्टी वाला इसका कलर है, कोई भी इसमें गंदा कलर नहीं है, मुल्तानी मिट्टी वाला कलर है। और ये मैंने इसमें ले लिया है, ये आप नीम का कलर देख सकते हैं, बिल्कुल शायद ये कैमरे में थोड़ा ये ऐसे नहीं आ रहा है, लेकिन बिल्कुल क्रीम जैसे नीम की पत्तियां सुखा के जब उनको पीसा जाता है उनका कलर आता है, सेम वो ही आ रहा है। तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, इसमें आप मिला सकते हैं, ये कम क्वांटिटी में मिलाना है आपको। और जो है आपका ये वाला पाउडर है जो, ये आपको ज्यादा क्वांटिटी में मिलाना है थोड़ा। आप अपने चेहरे के हिसाब से देख लीजिए कि आपको किस तरह यूज करना है, कितने लोगों को यूज करना है, तो मैं इसको अच्छी तरीके से आज आपको बना के दिखा दूंगी। इनको आप पैक करके इसी तरीके से आप नॉर्मल पैक करके रख सकते हैं, क्योंकि ये अगर आप इनको खुला रखेंगे तो हो सकता है कि ये खराब हो जाए। अब मैं यूज कर रही हूं इसमें एलोवेरा जेल।
आप कोई भी कंपनी का एलोवेरा जेल ले सकते हैं, लेकिन मैं इसको प्रीफर इसलिए करती हूँ क्योंकि इसमें एलोवेरा जेल के साथ विटामिन ई भी होता है, जो ड्राई स्किन के लिए अगर आप मुल्तानी मिट्टी यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आप इसको जरूर डालिएगा। जो भी आपको यूज करना है एलोवेरा जेल उसको जरूर डालिएगा। उसके बाद में मैं आती हूँ आपको गुलाब जल पे। गुलाबरी का गुलाब जल यूज करी मैं, आप कोई भी यूज कर सकते हैं जो आपको सुटेबल लगे। इसके साथ में कुछ कुछ लोग इसमें टमाटर का रस भी मिलाते हैं, मैं उसको नहीं मिला रही हूँ, बहुत महंगे टमाटर हो रहे हैं वैसे मजाक है, आप इसमें मिलाना चाहे तो मिला सकते हैं। इसको अच्छी तरीके से मिला लीजिएगा, प्लीज मेरे ब्रश पे मत जाइएगा क्योंकि ये मैंने अमेजोन से मंगाए थे और इतने घटिया क्वालिटी के निकले हैं कि ये सारे जो है ऊपर से निकल चुके हैं। इस तरीके से आप इसको मिला लीजिएगा। प्रीफर करती हूँ मैं हमेशा हाथ से ना लगा के ब्रश से लगाने का, फेस पैक जब भी आप लगाए इसे ब्रश से लगाएं और इस तरीके से इसे अच्छा सा मिक्स कर लीजिएगा। पानी जो आपको रखना है वो इतना रखना है, मतलब गुलाब जल इतना रखना है कि ये ज्यादा हार्ड भी ना रहे और ज्यादा सॉफ्ट भी ना रहे, इस तरीके से ये बिल्कुल आ जाएगा। मैंने वैसे फेस पैक कैसे यूज करना है उसके लिए पहले वीडियो बना चुकी हूँ कि फेस पैक कैसे आप यूज कर सकते हैं। अब मैं इसको आपके इस पे लगा के दिखा रहा हूँ कि टेक्सचर इसका कैसा आ रहा है। बिल्कुल नॉर्मल टेक्सचर आ रहा है जैसे कि आपको अपने फेस पे यूज करना चाहिए। आप इसको एक बार यूज करके देखिएगा, आपको जरूर पता चल जाएगा कि मैं क्यों इसको प्रीफर कर रही हूँ। अगर आपके फेस पे पिगमेंटेशन है, आपको पिंपल्स वगैरह होते हैं, या फिर आपको कोई मुल्तानी मिट्टी या कोई फेस पैक जो भी चीजें हैं आपको सूट नहीं कर रहा, तो एक बार इस तरीके से लगा के देखिएगा, आपके चेहरे पे नेचुरल ग्रो आ जाएगा। धीरे धीरे आपको बहुत ज्यादा अच्छी, आपकी सॉफ्ट बच्चों जैसी स्किन हो जाएगी। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।